अरे 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 तो अगली राइड है हमारी भाई, ये तो भाई बहुत गंदी राइड है बैच, कैसे कर रहे हैं अरे लोग। अरे यार इसका मूड खराब नहीं हो रहा इनको ये चीज़ करके, यार देखो ना कैसे कर रहे हैं। तो अगली राइड हमारी ये वाली है भाई, इसी को करेंगे हम। तो भाई अगली राइड है हमारी, इसको क्या बोलते हैं भाई, 360 ना। तो हमारे साथ ये भाई बैठे हैं भाई, और हम गड्डी बिच तगड़ा छूटेगा, नीचे छूटेगा। अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता यार, देख लो भाई छूट जाएगा भाई जी। मैं अभी छूट के गया था, क्या बात कर रहे हो, वैसे ऐसे लग रहा था। तो यार छूटेगा तो भाई ये बोल रहे भाई छूटेगा कैमरा, देखते हैं भाई क्या होता है, कहीं छूट ना जाए, छूटेगा तो भाई नुकसान बहुत ज्यादा होगा भाई। लो भाई उल्टा घूम रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा भाई। ओ भाई ऊपर आया है, ऊपर आया, ये ऊपर आया भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई बड़ा कर रहा था। अरे नहीं भाई कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ये उल्टा हो रहा, ओ भाई ये तो उल्टा हो रहा यार, भाई ये उल्टा हो रहा है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ भाई। ओ भाई बैच, ये देखो भाई हो गया छूटा, नहीं छूटेगा भाई यार, ये हमारा हाथ नहीं छूटेगा, ये उल्टा सुल्टा हो रहा है। तो भाई ये है बोटिंग एरिया, ठीक है, यहाँ पर बोट ऊपर से आती है, वहाँ ऊपर से आती है, ठीक है भाई। और ये हम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि इसमें सारे कपड़े गीले हो जाते हैं भाई, इसलिए मैं नहीं करूँगा। देख बोट आ गई, देख रहे हो आप, ओ भाई। तो इसमें सबसे दिक्कत वाला सीन ये है, कपड़े गीले हो जाते हैं भाई। आप लोग कर सकते हो चाहे तो, मगर मैं नहीं करूँगा भाई, क्योंकि मेरे जेब में फ़ोन कैमरा बहुत चीज़ें हैं। तो ये पूरा बोटिंग एरिया काफ़ी दूर तक जाती है बोटिंग एरिया, ये वहाँ से घूम घाम के फिर यहाँ से आती नीचे के लिए। कमर सही करने के लिए दवाई है भाई, आप इसे YouTube पे डालोगे? क्या हो गया छोटे, क्या हो गया, अरे 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 अ
क्या कर रहे अबे तुम्हें चलो ओ भाई ओ वाह क्या शॉट था ओ भाई क्या है भाई ये है? मेरे पीछे की पढ़ा हाथ दोगे भाई अरे भाई मैं नहीं पढ़ा मेरे पर पढ़ रहा बार बार जाओ उधर बैठो उधर जाओ उधर बैठो उधर बैठो चलाओ जाओ भैया आप भी चले जाओ बड़ी खतरनाक चीज है भैया तो सबको हिला के रख दिया तो भाई ये हमारी ट्रेन है और हम इस पर सफ़र करेंगे अब और भाई ये लास्ट है ट्रेन का इसके बाद मैं सीधा घर के लिए निकलूँगा या ट्रेन का सफ़र आ जाओ मुंबई 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 ये देखो सवारी आई ना पप तो काफ़ी अच्छा व्यू है काफ़ी अच्छा बना रखा है नया ये पार्क ना काफ़ी फेमस पार्क है भाई यहाँ का काफ़ी सुंदर है तो भैया लगा रहे चैन सेफ कवर और हमारी ट्रेन चलने के लिए तैयार दिल्ली से मुंबई ये घंटी बजी भाई चलो फिर लेट्स गो चलते हैं सफर पे ओ भाई
पहुंचने वाली है भाई। ये हमारा स्टेशन है, हम मुंबई पहुंचने वाले हैं। दिल्ली टू मुंबई। आओ आओ दिल्ली टू मुंबई। ये भाई ये पहुंच गए स्टेशन पे। तो भाई हमारा रेल का जो सफ़र था वो भी ख़त्म हो गया। अभी यार एक अभी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा, पता तुम्हें। अभी यार काफ़ी चीज़ है यहाँ पर। तो भाई अब आ गया हूँ वोल्वो बस में। ये वोल्वो बस है भाई, पता है, ये दुनिया की सैर करवाती है भाई। देखिए भाई, तो देख सकते हो बाहर से काफ़ी अच्छा व्यू है। और भाई मैं सिंगल बंदा हूँ, अकेला बंदा हूँ, तो मेरे साथ कोई नहीं है। और मैं अकेला राइड करना चाहता भी नहीं, मैं चाहता हूँ लोग आए, बैठे, इंजॉय करें और मेरा भी टाइम पास हो भाई। अकेले अकेले मैं इस बस में सवार नहीं कर सकता हूँ। आ जाओ भाई कलकत्ता कलकत्ता। तो ये भाई चाय चाय चाय। ये हमारी दो और सवारी आ गई भाई, ठीक है। तो लगभग काफ़ी टाइम लगेगा बस को चलने में। और अभी तो फिलहाल के लिए दिल्ली में ही बस, फिर कलकत्ता शायद से 3 दिन में पहुँचेगी भाई। तो दो सवारी बैठ चुकी हैं यहाँ पर। तो ये भैया आ गए हमारे बाउंसर। हाँ साइड सही बोला है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो भाई ये बस जो है चांद पे जा रही है भाई, जमीन से है इससे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वीडियो बना रहा ऊपर की। अच्छा, देख रहे भाई जमीन से काफी ऊपर है। तो भाई बस राइड भी होगी यार। मेरे को ये बात समझ नहीं आई, जो हैरी पॉटर में होता ना बस गायब हो जाती है, ऊपर हवा में उड़ती है, उस बस में वही पता लग रहा था कि हवा में उड़ रही है भाई, ऊपर नीचे हो रही है। अलग ही बस देखी मैंने यार, मुझे तो हैरी पॉटर की याद है, ऐसी है कि हैरी पॉटर में जैसा हो रहा था वैसे ही हो रहा है भाई। तो भाई ये राइड है हवा बोटिंग राइड, ये हवा में उड़ रही है बोटिंग भाई। यार कैसी कैसी खतरनाक चीज़ें हैं यहाँ पर भी यार। ये देखो हाँ भाई मज़े कर रहे, बोले हम भी करेंगे चार। चलो चलो चलो। ओ भाई ये भी चल पड़ी अड्डे की ओर। ओ भाई ये तो टेढ़ी भी हो रही भाई। ओ भाई अरे 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 भाई, ये बोट कुछ अलग ही है भाई, जैसे पानी में बोट चलती है ना वैसी मूवमेंट है चलने का। ओ भाई सही है ना भाई, ओ भाई ये मजे, ओ मजे। ओ भाई राइड खत्म, चलने का टाइम। ठीक है आप ये भी कर सकते हो चाहे तो, मगर यार ये तो भाई बच्चे लोग कर रहे हैं भाई, गाड़ी का ठोकने वाला काम। Yeah.
तो आप भाई ये भी कर सकते हो, वहाँ पे डिपेंड करता है, मगर मैं तो नहीं करूँगा भाई, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो गया, मुझे घर निकलना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो जाएगी इसके बाद लगभग, मैंने जॉब पे भी जाना है भाई, ठीक है भाई, 8 बजे भाई, तो लगभग यहाँ पर 4 बज चुके हैं भाई। और चलो घर की तरफ निकलते हैं, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बंद है, देख रहे हैं आप, जैसे भाई अभी ये बंद है, इस पर भी काफ़ी मज़ा आता है, ये राइड तो मैंने कर रखा है एक बार दर्द में बीच में, तो भाई काफ़ी मज़ा है, ये लास्ट राइड मेरी पूरी हो गई, अब मैं चल रहा हूँ रूम की तरफ, और चीज़ें आपको मैं रास्ते में बताऊँगा क्या क्या चीज़ें थी यहाँ पर, क्या क्या नहीं थी। तो भाई यहाँ बोटिंग का भी काफ़ी अच्छा सीन है, और जाने से पहले यहाँ से मैं आया हूँ, और ये बोटिंग वाला सीन है, देख रहे हो, तो यहाँ बोटिंग भी कर सकते हो, कपल्स के लिए बढ़िया है बोटिंग, हम कहाँ सिंगल लॉन्डो के लिए सही है। तो देख रहे हो भाई, जो वो प्लेन है ना भाई, वो होटल है भाई, ठीक है, अभी वो बना नहीं है, अभी पूरा बना नहीं है, अभी तैयार हो रहा है बनने में, तो भाई टाइम लगेगा उसे बनने में, और अभी यहाँ काफ़ी गेम्स ऐसे हैं जो पूरे नहीं बने हैं अभी भाई, बाय बाय कह देते हैं भाई, पैसे होंगे तो दोबारा आएंगे, और मुझे पार्किंग में जाने की ज़रूरत है नहीं, पार्किंग मेरे ठीक सामने पे है, ठीक है, और यहाँ से मैं सीधा घर निकलूँगा, क्योंकि मुझे करना है ओला बुक, मैं ओले से जाऊँगा भाई घर। तो देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही है, और काफ़ी लोग आ रहे हैं भाई, तो देख रहे हो भाई अंदर तक ई रिक्शा आता है, वहाँ पर गेट है, ठीक है, एंट्री करने का गेट है, पहला गेट यहाँ पर है जहाँ से मैं बाहर निकलूँगा, दूसरा गेट उधर है भाई, तो पहला गेट ये, चलो भाई निकलते हैं इस गेट से, और आपको काफ़ी अंदर आना पड़ेगा, आप चाहे तो यहाँ अंदर तक ई रिक्शा से आ सकते हो, वैसे मैं पैदल आया अंदर तक, आप यहाँ देख रहे हो यहाँ से रोड जाती है अंदर की तरफ, तो आप ई रिक्शा से आ सकते हो, अपनी स्कूटी या कार से आ सकते हो, सारे जा रहे हैं भाई, तो साइज इसमें दिखेगा नहीं, देख रहे हो आप, मैंने वो लोग बुक किया है, इसका किराया मेरे यहाँ से लगभग 115 रुपये किराया भाई, तो भाई इसे आने में लगभग 3 मिनट लगेंगे, देख रहे हो 3 मिनट, और इसका जो किराया मुझे पड़ा है 115 रुपये भाई, इसका कॉल भी आ गया ऊबर वाले का, हेलो भैया कहाँ पर हो भैया, तो भाई हमारे भैया आ गए ऊबर वाले, ठीक है, तो भाई ऊबर में सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि तुम बाइक भी ले सकते हो यहाँ पर, और मुझे लगभग इसका किराया लगभग 115 रुपये पड़ा है अपने घर तक भाई, ठीक है, तो चलते हैं, ये है हमारा हेलमेट भाई, ओ भाई लड़के वाला हेलमेट, ओ अरे वाह, पूरा छमिया बना दिया मेरे को भाई ने तो, है भाई, तो दिल्ली में मेरे को ये सुविधा अच्छी लगती है बाइक वाली, कि यार चलो यार अगर तुम गाड़ी का किराया नहीं दे सकते हो तो बाइक में कर लो, क्यों गाड़ी से ज़्यादा सस्ता पड़ता है बाइक में, तो भाई ये देखो, अरे देखो तुम, ये हमारे चलने के लिए तैयारी हो, मजे, तो भाई मैक्सिमम मेरे को यहाँ से लगभग आधा घंटा लगेगा अपने घर तक पहुँचने के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक ही मिलता है काफ़ी ज़्यादा, इसे दिक्कत हो जाती है भाई, घर, और चलते हैं रूम पर, तो भाई मैं पहुंच गया रूम पर, और काफ़ी मज़ा आया सही में, आज बोलते हैं कि माइंड फ्रेश हो गया भाई वहाँ जाके, मैं वहाँ पहली बार गया, इससे पहले बार कभी नहीं गया था मैं उस जगह पे, आपको बता दूँ वहाँ पर लगभग 350 रुपये का टिकट है, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे एक दिन की पूरी सैलरी ख़त्म हो गई है भाई वहाँ जाके, लगभग मेरा जब मैं यहाँ से गया था लगभग उस टाइम भी मैं ओला पे गया था, मतलब ये कह सकता हूँ ऊबर में गया था उस टाइम भी, और उस टाइम भी मेरा किराया लगभग 115 रुपये पड़ा था, और आते हुए भी 115 रुपये पड़ा, और वहाँ 350 रुपये, मतलब 350 के आसपास मेरा पैसे पड़े, फिर खाना पीना लगा के लगभग 800-900 रुपये खर्च हो गए मेरे,
ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ लोकेशन भाई, वो रोहिणी रोहिणी में पड़ता है और काफ़ी बड़ा एरिया है भाई। आप वहाँ, मैंने काफ़ी कम दिखाया एक हिसाब से, वहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और कैसे तो खेलने के लिए, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भाई वहाँ पर। ठीक है, आप कैंटीन में खाना भी खा सकते हो, अंदर कैंटीन भी है, अंदर कैंटीन भी है, बाहर भी कैंटीन है, वहाँ पर डिपेंड करता है आपको कहाँ खाना है खाना भाई। आप वहाँ अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, स्कूटी बाइक टू व्हीलर फोर व्हीलर सबसे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर गेट तक भाई, अंदर आपको पार्किंग मिल जाएगी। और लोकेशन बता देता हूँ मैं आपको, रोहिणी सेक्टर 10 पे वो लोकेशन मिलेगी आपको। और चलो आज के लिए इतना ही भाई, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना भाई, और भाई सब्सक्राइब तो जरूर करना भाई, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करते हैं ब्लॉग बनाने में।